Hi guys, welcome in today's video. Today I have got special IELTS writing tutorial for you. जहाँ एक average student थोड़ा ध्यान दे तो वो अपनी writing task में requirement पूरी कर सकता है, और अगर आप 6 के score पे stuck हो तो आपका score 6 plus होने की पूरी guarantee है. So let us start this tutorial. Guys, first of all, have a look on these sentences and try to find out mistakes. आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे वर्कआउट करें. तो गाइज, अगर आपने इन मिस्टेक्स को वर्कआउट किया है तो ये बहुत सिंपल मिस्टेक्स हैं, पर ये ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि आयल्स राइटिंग्स में आपके ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज में काफ़ी सारे बैंड्स ये खा जाती हैं. सो पहले सेंटेंस के अगर हम देखते हैं, टू मैनी स्टेप्स आर टेकन बाई गवर्नमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. हम स्टेप्स के साथ इज नहीं लगा सकते, सभी को पता है. मैनी ह्यूमन फेस डिफिकल्टी. अब ह्यूमन को या हमको प्लूरल करना पड़ेगा या हमको कहना पड़ेगा ह्यूमन फेसेस डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ कंजेशन इन सिटीज. तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, ऑटोमोबाइल एमिट हार्मफुल गैसेस. यहाँ पर गड़बड़ है. अब यहाँ हमको ऑटोमोबाइल्स करना पड़ेगा या ऑटोमोबाइल एमिट्स हार्मफुल गैसेस. एंड इंडिविजुअल्स फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स. अब यहाँ इंडिविजुअल्स के एस को हटाना पड़ेगा या फेसेस के एस को हटाना पड़ेगा. ओके, चौथे सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, द बार चार्ट शोज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉकलेट, राइट. तो इस तरह से ये चार सेंटेंस ठीक हो जाएंगे. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस. दिस इज कॉल्ड मिसमैच. मीन्स टू से इन योर सेंटेंसेस आपके सब्जेक्ट को वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ और प्रोनाउन के साथ एग्रीमेंट करके चलना पड़ता है, राइट. मान लीजिए अगर हम ऐसे राइटिंग के अंदर बात कर रहे हैं, पीपल या मासेस या सिटीजन्स या डेनिजन्स, तो हमको वर्ब के साथ एस ई एस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट. और अगर हमको मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. और पीपल इन लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा दे यानी कि वो, देयर यानी कि उनका, देम यानी कि उन्हें, और देमसेल्व्स यानी कि वो खुद. और अगर आप अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर टाइप में लेके चल रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट इंडिविजुअल या कोई पर्सन रहेगा. ओके, आपको वर्ब के साथ एस ई एस लगाना पड़ेगा. आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर रहे हैं आप सेंटेंस मेकिंग, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डज यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज़ यूज़ करना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको इज़ यूज़ करना है. ओके, ही शी आपको प्रोनाउंस यूज़ करने हैं. ओके, सो हिज हर यानी कि उनका उसका आपको ये प्रोनाउंस यूज़ करने हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. हिम हर यानी कि उनको, और हिमसेल्फ हर सेल्फ यानी कि वो खुद, राइट. तो ये हमको यूज़ करने हैं. वैसे बहुत बेसिक बातें हैं, आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता होती हैं, बट वी नीड टू बी केयरफुल वाइल मेकिंग सेंटेंसेस. अब मैं कुछ आपके सामने स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स रख रहा हूँ और हम इन्हीं मिस्टेक्स को फिर दोबारा स्टडी करने की कोशिश करते हैं. हेयर इज एग्जाम्पल नंबर वन. तो यहाँ पर आप पहले मिस्टेक्स खुद ट्राई करने की कोशिश करें, और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. And let us work out in today's era of globalization and modern lifestyle. Lifestyle में हमको space को हटाना पड़ेगा और इसके बाद हमको comma लगाना पड़ेगा. Every person want to live in fully facilitated house. अब यानी कि every person wants, right? क्योंकि every person signal है wants to live in fully facilitated की spelling को भी हमको ठीक करना पड़ेगा, house, right? So here is second example in front of you. Try it out yourself first, guys. So, let's work out now. Many rich landlords. अब अगर आपने many लगाया है तो आपको landlords लगाना पड़ेगा. Prefer to build small flats rather to sell. Sell की spelling गलत है, हमको sell लगाना पड़ेगा यहाँ पे. Rather to sell. अब यहाँ पर his जो pronoun है वो लैंडलॉर्ड्स के साथ मैच नहीं करता, तो हमको लगाना पड़ेगा देयर, देयर लैंड एंड फसली. फिर देयर इज बिग एडवांटेज, और देयर यानी कि वहाँ पर. सो हमको ये टी एच ई आर ई लगाना पड़ेगा, इज बिग एडवांटेज टू पर्सन हु. अब पर्सन के साथ यानी कि सिंगलर, यानी कि हमको एस सी एस लगाना पड़ेगा, हु टेक्स दिस हाउस ऑन रेंट. एंड देन हेयर इज
लास्ट। तो यहाँ पर जो गलतियाँ हैं, नाउ डेज की स्पेलिंग मिस्टेक है, नाउ अ डेज आपको लिखना है, एवरी वन सिंगुलर हो गया, बिकम्स मॉडर्न इन दिस टाइम। और अगर आप अगले सेंटेंस में देख रहे हैं तो दे ऑल लाइक टू लिव इन अदर सिटीज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप दे नहीं लगा सकते। अगर आप अपने सब्जेक्ट को आप सिंगुलर लेके चल रहे हैं तो पूरी राइटिंग के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर रखना पड़ेगा। पर मैं एडवाइस दूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में रखें। अगर आप प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आप एक जनरल बात कर रहे हैं, राइट? आप किसी खास इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, और हमको जनरल बात ही करनी चाहिए। लेट्स से इफ योर एसे इज अबाउट स्टूडेंट्स, सो यू शुड यूज बेटर स्टूडेंट्स एज अ सब्जेक्ट इन योर राइटिंग्स। और लोगों की बात हो रही है तो पीपल आपको एज अ सब्जेक्ट यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट को पहले ही सेंटेंस में कर लेना चाहिए। पीपल बिकम मॉडर्न इन दिस टाइम एंड दे ऑल लाइक टू लिव इन अदर सिटीज फॉर। अब फॉर के बाद जो देयर है, देयर आपको सही करना पड़ेगा, THEIR, न्यू जॉब्स। ओके, सो फाइन, दैट वॉज अबाउट मिसमैच एंड आई एम श्योर दिस वीडियो इज सडनली गोइंग टू हेल्प यू समवेयर इन इम्प्रूविंग योर राइटिंग्स। और इसको अगर आप गौर करेंगे, डेफिनेटली यू विल हैव इंक्रीमेंट इन योर बैंड्स एंड योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो दैट्स ऑल, बाय गाइज, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।